लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी राजेंद्र नगर के पास हूँ। और मेरे जब मैं राजेंद्र नगर के पास रिपोर्टिंग के लिए निकला था, तो मैं एक अजूबा चीज़ देखा। और अजूबा चीज़ ये देखा कि गाड़ी के जो ड्राइवर हैं, वो गाड़ी के जो ड्राइवर हैं वो हेलमेट पहने हुए। ये देखिए, ये गाड़ी के जो ड्राइवर हैं वो हेलमेट पहने हुए। और ये इसलिए हेलमेट पहने हैं कि जब कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, वो खबर ये आई थी कि जो फोर व्हीलर चला रहे थे उनके ऊपर फाइन हो गया था हेलमेट, विदाउट हेलमेट का। क्या वही बात का डर है क्या आपके पास? जी बिल्कुल सर, उसी बात के डर से हेलमेट पहन। जी बिल्कुल, मैं उसी डर से हेलमेट पहन के चला रहा हूँ। आपका डर आपके चेहरा पर दिख रहा है। मुझे डर है सर, वाकई में डर है। मुझे वाकई में डर है कि कहीं मेरा भी चालान न कट जाए, इसलिए मैंने हेलमेट भी पहन रखा है और मैंने सीट बेल्ट भी लगा रखा है। ये देखिए, ये सीट बेल्ट भी पहने हुए हैं, हेलमेट भी पहन रखे हुए हैं। डर पूरे प्रशासन के जो उनका जो रूल है, टर्म्स एंड कंडीशन है, मैंने उसको पूरा फॉलो कर रखा है। पूरा फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल। और हेलमेट, मैं हेलमेट इसी डर से सर, मैं बाइक और स्कूटी से नहीं चलता हूँ ताकि मेरी हेलमेट की चालान कट जाए। अब देखिए, मैं कार के अंदर में हूँ, ये मेरी अपनी गाड़ी है, ये मेरे बड़े भैया हैं, ठीक है। मैंने हेलमेट भी पहना हुआ है, मैंने सीट बेल्ट भी बना रखा है। ये जब से वो चालान देखे हैं ना कि वो गाड़ी लगा हुआ है घर पे और उसका हेलमेट का चालान कट गया, वो जब से ही मेरे छोटे भाई हैं, ये जब से हेलमेट लगा के चल रहे हैं, भैया कोई ठीक नहीं कि मेरा भी चालान कट जाए। आप समझाए नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। समझाए क्या, जब कैमरा ही सही नहीं है बिहार का आप कैमरा देख रहे हैं, किसी का चालान काट दे रहा है, तो इससे भी डर से चला रहा है। हम भी सोच रहे हैं कि अगर चालान कट जाएगा तो साला पैसा कहाँ से देंगे हम लोग। और अभी सर, अभी मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अभी मैं आगे जाऊँगा और मेरे बड़े भैया, मैं इनके लिए भी हेलमेट लूँगा, इनको उनके लिए भी हेलमेट लेंगे। बिल्कुल मैं लूँगा। हो सकता है कि उनको भी उनका भी ना कट जाए। जैसे अब जैसे एक बार बताइए, बाइक में क्या है, सिंगल हेलमेट और डबल हेलमेट, वैसे कार में भी हो सकता है। मैंने भी बेल्ट लगा रखा है, भैया ने भी लगा रखा है, मैंने हेलमेट लगा रखा है लेकिन भैया नहीं लगा रखा है। अभी मैं ट्रैफिक क्रॉस करूंगा, हो ना हो मेरी चालान कट जाए। तो इसका मतलब कि आप हमेशा जब गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट पहन के? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं जब भी गाड़ी से जाता हूं कहीं भी, तो मैं हेलमेट लगा के चलता हूं। और भैया, और उसके बाद में क्या मैं बोलना चाहूंगा आपको सर, कि अभी मैं जा रहा हूं, मैं और भैया मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो मैं यहां से आप मुजफ्फरपुर तक हेलमेट पहन के जाऊंगा। और मैं ही हेलमेट पहने रहते हैं, जिस दिन से चालान कटा है ना उस दिन से ही दहशत में है। और सब, मैं जब गाड़ी से मैं उतरूंगा, पैदल भी चलूंगा, तो हम और भैया हेलमेट पहन के चलेंगे, क्योंकि पैदल चलने पर पता नहीं मेरी चालान कट जाए, मेरा हेलमेट नहीं। मतलब फोर व्हीलर वाले को जो कट सकता है तो पैदल चलने वाले को? बिल्कुल कट सकता है, इसलिए हमने और दोनों भैया ने ये प्रण लिया है कि जहाँ भी चलेंगे, पैदल भी चलेंगे, तो हेलमेट पहन के ही चलेंगे, और गाड़ी में चलेंगे तो हेलमेट पहन के ही चलेंगे। इसका मतलब आपको पटना पुलिस पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं, इनका सिस्टम जीरो है, इनका सिस्टम जीरो है। और मैं क्या, पूरे बिहार के आम लोग, आम जनता इनके सिस्टम से खफा है। तो क्या सजेशन, आपका क्या सजेशन होगा? मेरा सजेशन बस यही होगा सर, नीतीश कुमार से, परिवहन विभाग से मेरा बस यही कहना है कि आपने जो सिस्टम बनाया है उसमें थोड़ा सा सुधार लाएं। जैसे सिंथेटिक वे में, जैसे मेरे कहने का मतलब सर ये है कि सिंगल हेलमेट डबल हेलमेट ठीक है, अब कार चला रहे हैं बिना हेलमेट का चला रहे हैं, उनका हेलमेट का चला जा रहा है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए कि कार वाले किन्होंने सीट बेल्ट नहीं रखा है, किनके पास में पॉल्यूशन नहीं है, किनके पास में लाइसेंस नहीं, किनके पास में इंश्योरेंस नहीं है, उनका चालान कटिए, ना कि बाइक का चालान कट जाए कार के नाम पे। बस मैं ये कहना चाहूँगा, सिस्टम बना है अपनी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सिस्टम से। मैं मतलब पूरा तो सर मैं खुश नहीं हूँ, 90% मैं उससे दुखी हूँ, 1% मैं उससे खुश हूँ। अब 90% को खुश करने के लिए पूरे जनताओं को 90% अपने सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको बिहार पुलिस आपसे रिक्वेस्ट करेगी आप हेलमेट मत पहनिए, गाड़ी आपका फाइन नहीं करेगा, तब नहीं सर, मैं उन पर विश्वास नहीं करूँगा, नहीं करेंगे दूसरे जगह से। बिल्कुल, आप उस व्यक्ति को देखे थे क्या जिसका फाइन? मैंने इंटरव्यू पर देखा सर, इंटरव्यू में। जी हाँ सर, रो रहा था क्या? बिल्कुल रो रहा था सर। और सर मैं ये भी आपको बता दूं, वो इंसान रो रहा था, वो बहुत दुखी था, मतलब क्या मैं बोलूं, बहुत परेशान था वो। उसके ऊपर में चालान मेरे को लगता है 15-20 हज़ार का चालान था उसके ऊपर में। इंटरव्यू में देखा भी उसके गाड़ी पे धूल धक्कर पड़ा हुआ, लगता है कि 10 दिन से वो गाड़ी निकला नहीं होगा, चल नहीं रही थी, घर पे लगी हुई गाड़ी पे चालान आ गई सर उसकी। और हमारी गाड़ी तो चलती है, मैं और भैया, गाड़ी रुकी हुई उसमें चालान कटी। हाँ, और हम लोग तो सर सॉरी हमेशा घूमते रहते हैं, है ना, रोड पे चलते रहते हैं, जब से खड़ी गाड़ी में चालान आ सकती है सर, हेलमेट का चालान, तो हमारी तो चलती ही गाड़ी में हेलमेट चला, फाइन हो सकता है। बाप रे, इतना गुस्सा है आपको? जी बिल्कुल सर, मुझे बहुत गुस्सा है। अगर चालान आ गया तो? जी हाँ सर बिल्कुल। इसको गुस्सा पे तौर पे मत लीजिए, ये दहशत है एक तरह से समझिए। ये इलेक्ट्रॉनिक जो लगा है सीसीटीवी वगैरह, इस पे मतलब सरकार का कमांड नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, नहीं तो नहीं होता ऐसे। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जैसे कि नीतीश सरकार शराबबंदी बंद कर दिया, वहाँ से कम मतलब कि क्या बोलते हैं, रेवेन्यू कम हो रहा है बिहार सरकार को, ये उगाही है रेवेन्यू? ये रेवेन्यू का उगाही है सर। आप बताइए सर, बिहार में दारू बंद है,
हर जगह दारू मिल रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रही है। जैसे पहले हुआ करता था, अब तो वैसे रेवेन्यू नहीं मिल रही है। बस इनका एक नया रेवेन्यू जनरेट करने का, 100% रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका है। जो सिस्टम जीरो है, जो सिस्टम इन्होंने बना रखा है, वो सिस्टम जीरो है। बस इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इनको सरकार से कोई मतलब नहीं है, बस इनको अपना पैसा उगाही करना। आप हेलमेट उतारेंगे नहीं? क्या नाम बता दीजिए? मेरा नाम आकाश कुमार गुप्ता हूँ और मैं रहने वाला सर पटना बिहार गर्दनी बाग अलकापुरी का हूँ, और ये मेरे बड़े भैया हैं राजेश कुमार। ठीक है, तो ये आकाश कुमार गुप्ता हैं जो इनके मन में इतना बड़ा दहशत हो गया हेलमेट को लेकर के, क्योंकि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को जो फोर व्हीलर में थे और वो फोर व्हीलर में चलाते हैं फोर व्हीलर, लेकिन उनको टैक्स कटा, मतलब उनको फाइन हुआ हेलमेट विदाउट हेलमेट का, कभी टू व्हीलर नहीं चलाया, लेकिन क्या बोले खड़ी गाड़ी में उनकी गाड़ी खड़ी है बिने की रोड पर थी, उसके बावजूद भी एक तो घर पर गाड़ी थी, उसके बाद वो फोर व्हीलर चलाते हैं और उनके फाइन पहुँचा उनके घर पर, हेलमेट नहीं पहनने का फाइन पहुँचा। वो बहुत गुहार लगा सरकार पुलिस से कि मैं गाड़ी निकाला नहीं हूँ, पहला नंबर तो मैं टू व्हीलर चलाता नहीं हूँ, और फोर व्हीलर में बिना हेलमेट का कैसे फाइन आ गया, ये सोचने की बात है। तो वो डर पटना के आकाश गुप्ता के मन में घुस गया और ये जब भी गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट पहन के चलाते हैं। तो ये सरकार के CCTV का नाकामी का एक पहला नमूना आपको देखने को मिला। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।